अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। जैसे कि कल आपका रिजल्ट आने लगा है, इंतज़ार की घड़ियाँ सब खत्म हो गई हैं। अच्छा, इस पर वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं आपको कुछ फ़नी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो वो मेरे से आगे पर्सनल में पूछते हैं या ग्रुप वगैरह में पूछते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर, मैं अगर सारे सब्जेक्ट में पास हो जाता हूँ तो क्या मेरा CGPA इंक्रीज होगा? लाइक उसका सेकेंड सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर में उसका 1.2 CGPA आ गया बिकॉज सेकेंड सेमेस्टर में उसकी 3-4 में सफलियत थी। अब उसका क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मैं वो 4 सब्जेक्ट पास कर लेता हूँ तो क्या मेरा सेमेस्टर का CGPA या ओवरऑल CGPA जो है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? मतलब ये क्वेश्चन उसका सुन के, ये सवाल सुन के मुझे एक तो हंसी भी आ रही थी, उल्टा मैं कह रहा था कि यार ये कौन लोग हैं भाई, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, आखिर कहाँ से आते हैं ऐसे लोग और इनके जहन में ये सवाल कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली देखें, एक अंडरस्टूड सी लाजमी सी बात है कि जब आपका सब्जेक्ट पास हो जाएगा तो आपके नंबर इंक्रीज होते हैं ना। लाइक 100 नंबर है ना, 100 टोटल नंबर है, 100 में से 5 सब्जेक्ट है आपके, 3 सब्जेक्ट पास हो गए हैं, 2 फेल हो गए हैं, 60 नंबर आपके आ गए हैं, बाकी 40 रह गए हैं क्योंकि आप उन 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। अगर आप उन 2 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट और पास कर लेते हैं, 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो आपके नंबर 80 हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोर सब्जेक्ट पास कर लेंगे तो 100 में से 100 हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप सब्जेक्ट पास करते हैं CGPA आपका इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और एक और सब्जेक्ट सुने जी, सर मेरे 2 सब्जेक्ट रहते हैं, लास्ट सेमेस्टर है, 2 सब्जेक्ट रहते हैं इस सेमेस्टर के बाद भी, तो क्या मुझे डिग्री मिल जाएगी? क्या कह सकते हैं यार, 2 सब्जेक्ट रहते हैं, क्या मुझे डिग्री मिल जाएगी? ऑब्वियसली भाई, जब तुम उसको क्लियर करोगे तो तब भी मिलेगी ना। इस किस्म के सवाल है तब मैं पर्सनल में किसी को जो है ना वो रिप्लाई नहीं करता। अच्छा हाँ, ये एक मेन क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि क्या 2 इयर्स जिनका ADP प्रोग्राम होता है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का होता है, किसी भी ब्रांच का होता है, तो क्या उसकी कन्वोकेशन होती है कि नहीं? क्या कन्वोकेशन सिर्फ जिनके 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है BS वगैरह उनकी होती है या 2 इयर्स वालों की भी कन्वोकेशन होती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसका जवाब ये है कि जी बिल्कुल, जिनकी 2 इयर्स की डिग्री होती है ना, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होता है, BSc होती है जिनकी, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनका 2 इयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, डिग्री उनको मिल जाती है, तो फिर उनका कन्वोकेशन जो है वो होती है। अच्छा, लास्ट में कोर्स सिलेक्शन का एक कमेंट आया था, कोर्स सिलेक्शन के बारे में गाइड कर लें जी। कोर्स सिलेक्शन जो है वो आपके LMS में ही आएगी, वो मैं आपको जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, रिजल्ट के बाद एक डिटेल्ड वीडियो कोर्स सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आपने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, और अगर आप फेल हो गए तो क्या फेल वाले सब्जेक्ट्स पहले उठाने हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स उठा लें। खैर, वो कल इंशाल्लाह आपका जब रिज़ल्ट आएगा ना, तो रिज़ल्ट में आपको बता दूँ, रिज़ल्ट जो है वो आपका कल अनाउंस हो जाएगा, कल आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। कल आपका रिज़ल्ट आ जाना है और इंशाल्लाह आप सबने पास भी हो जाना है, और बेस्ट विशेज़ हैं मेरी तरफ से आप सबको। 19 सितंबर का आपका रिजल्ट, लेकिन कल आपका रिजल्ट आएगा तकरीबन 12 बजे के दरमियान आएगा, 11-12 बजे के दरमियान रिजल्ट आएगा, शाम के टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली जो चांसेस है ना वो सुबह आ जाएगा इंशाल्लाह। और चांस भी है कि कल रिजल्ट, मतलब 80-90% चांस है कि कल रिजल्ट जो है वो आपका अनाउंस हो जाए, लेकिन ये समटाइम्स डेट ऊपर नीचे हो जाती हैं, ऊपर ही होती हैं, नीचे नहीं होती, ऊपर नीचे हो जाती हैं, क्या पता 19 को ना आए 20 को आ जाए, लेकिन कल रिजल्ट इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की वीडियो आएगी, फिर रिज़ल्ट कैसा आया उसकी वीडियो आएगी, ऑनेस्ट रिव्यू रिज़ल्ट के बारे में डालूंगा, कौन फेल हुआ है, कितने परसेंट फेल हैं या गलत कौन फेल हुआ है, सही कौन फेल हुआ है, रिज़ल्ट ठीक अनाउंस हुआ है, आगे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जो फेल हैं वो क्या करें, जो फेल नहीं है वो क्या करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तमाम डिटेल्स जो है वो मैं इंशाल्लाह एक डिटेल टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।